पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचन और कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से उनकी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश सुनने को मिल रहा है। पुण्यात्माओं, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो जो परमात्मा की शरण में पहुंच रहे हो। मनुष्य जीवन के उद्देश्य का सत्संग में आने से ज्ञान होता है। आप जी को वो सत्संग मिल रहा है जिसमें निष्कर्ष है सर्व सद ग्रंथों का, और साथ में उन महापुरुषों ने जिन्होंने साधनाएं भी की, कठिन तप भी किए, लेकिन उनके साथ क्या घटनाएं घटी, वो किस प्रकार कष्ट उठाते रहे, भक्ति करके भी दुखी रहे, और साथ में फिर ये भी आपको बताया जाता है कि कौन सी साधना से आपके ये कष्ट मिट सकते हैं। केवल ये नहीं कि हम किसी के ऊपर घटी हुई उन घटनाओं को ही या उनके दुखों को या उनकी गलत साधनाओं को ही दिखाते हैं या उनका कोई हम कोई छवि धूमिल नहीं करना चाहते। हम उस यथार्थ ज्ञान पर जमी हुई धूल को हटाना चाहते हैं जो युगों से जमी हुई है। किसी भी धर्म के किसी भी सदग्रंथ को आप उठाकर देखिए, वो कुछ वर्णन कर रहे हैं और उन के पढ़ने वाले उस धर्म के धर्मगुरु वो अन्य ही व्याख्या कर रहे हैं। शास्त्रों के विपरीत ज्ञान हमारे अंदर फीड कर रहे हैं। पुण्यात्मा, कहने का भाव ये है कि जैसे आप जैन धर्म के इतिहास से परिचित हुए कि वो महापुरुष परमात्मा पाने का कितना प्रयत्न करते रहे और उनको क्या मिला, यही 84 लाख के धक्के। पुण्यात्माओं, अब आप जी के रूबरू पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं के द्वारा दिया गया अध्यात्म ज्ञान और साथ में हमारे सदग्रंथों में लिखे वो सत प्रमाण, ये आपको दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन ज्ञान है, ये दोनों सदग्रंथ है। बाकी शेष जो अन्य सदग्रंथ हैं, अन्य शास्त्र हैं, पवित्र 18 पुराण या कोई उपनिषद, ये किसी ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। और इन पुराणों में यदि कोई वेद अनुकूल ज्ञान है तो वो वेदों का है, वो उसका उस ऋषि का नहीं है। अगर वो तो है, वो उतना तो वो सत्य है क्योंकि वेद ज्ञान है और वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा दत्त है। और अन्य जो वेदों और गीता से ज्ञान नहीं मिलता वो पुराण के वक्ता का, उसके घर का है,
उसको हमें स्वीकार नहीं करना। अब एक वेद और है सूक्ष्म वेद, जिसे पांचवा वेद कहा है। सूक्ष्म वेद है पांचवा, जाको पढ़े न कोई, और सूक्ष्म वेद जो पढ़े फिर आवागमन नहीं होवे। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है। तो पुण्यात्मा, हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी का जन्म इस भारतवर्ष की भूमि पर हमारे लिए एक वरदान है। उनका उस समय आगमन हुआ जिसमें बौद्ध धर्म बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। महात्मा बुद्ध कौन थे, जैसे आप जी को कई बार सुनाया है, दिखाया भी है, महावीर जैन जी का इतिहास यानी जैन धर्म का इतिहास। राजा ऋषभ देव जी से जैन धर्म का प्रारंभ हुआ, वो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके पोते भरत के पुत्र मारीचि ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। उसमें केवल वेदों अनुसार साधना ही होती थी, इन चार वेदों अनुसार, पांचवा वेद को नहीं मानते थे। जो परमात्मा स्वयं आकर दान करते हैं, देते हैं, अपने मुख कमल से बोलते हैं, वो ऋषि महर्षि जो नकली हैं, वो यथार्थता से परिचित नहीं होते, वो परमात्मा के उस ज्ञान को हम तक नहीं आने दे रहे थे। अब दाव लगा अपना इस सूक्ष्म वेद को सुनने का, तो जिस कारण से उस मारीचि वाले जीव ने जैसी भी वेदों अनुसार साधनाएं की, उसके कारण वो स्वर्ग में देवता भी बना और फिर आगे चल के वो नरक में भी गया। 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, और भी बहुत से दुख उठाए, और केवल 80 लाख बार वो देवता भी बना। और फिर क्या बना, महावीर जैन बना, और महावीर जैन ने फिर 363 पाखंड मत चलाए। वर्तमान का जो पूरा जैन समाज है, महावीर जैन जी द्वारा चलाई गई बकवाद साधनाओं को कर रहा है, उनकी के दुर्गति होगी। दास ये आगाह करना चाहता है कि आप इन साधनाओं को त्यागो और आप शिक्षित हो, अपने धर्म ग्रंथों को पुनः देख लो। और गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर किस लिए डलेड हो, ना ज्ञान था तब तक तो चलो हम भटक रहे थे, अब दास पर दया करी परमेश्वर ने, आपके लिए ये ज्ञान दिया और दास आपके लिए ही संघर्षशील है, और ये अज्ञानी गुरु धर्मगुरु दास के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अब इनकी दाल गला को नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अपने बच्चों को पहले शिक्षा दे दी, और अब देखना डूंडा पटेगा, पूरे विश्व में जाएगा ये सच्चा ज्ञान, और बहुत शीघ्रता से जाएगा, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता है। यहाँ के संसारिक सुख सबको पता है, 2 मिनट का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जा, यही डले ढो ढोकर यही छोड़कर चले गए, सारा जीवन नष्ट कर दिया हमने। तो अब हम दास उस प्रसंग पर आता है कि जिन धर्म गुरुओं को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते थे, विद्वान मानते थे, उन्होंने क्या ज्ञान बताया और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ये निर्णय दास कर रहा है, और इसके बीच में कोई अपने तरफ से कुछ मिलावट नहीं। जो सत साधना वो सदग्रंथों में लिखी है, और जिससे मोक्ष होता वो सदग्रंथों में लिखा है, जिससे जीव के आने वाली आपदाएं कटती हैं, समाप्त होती हैं, वो भी सदग्रंथों में लिखा है, और उससे हटकर जो हम साधनाएं कर रहे हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, ये भी प्रमाणित कर रहा। अब प्रसंग चल रहा है कि पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु आदि शंकराचार्य जी का उस समय जन्म हुआ जिसमें यह जैन धर्म बहुत फैल रहा था, और यदि उस समय आदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो पूरा भारतवर्ष भी चीन की तरह नास्तिक हो जाता, कम्युनिस्ट बन जाता।
अब चीन का नास्तिक होने का कारण क्या है कि महात्मा बुद्ध एक पुण्यकर्मी प्राणी थे और वे विष्णु लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे। अब जो स्वर्ग में सुविधाएं हैं उनको यहां कहां, आत्मा के अंदर वो कसक रहती है, घर त्याग दिया, राज त्याग दिया और जाकर के बिहार में स्टेट के गया नामक शहर के बाहर वट बरस के नीचे उसने मनमुखी साधना शुरू की। काफी समय तक निराहार बैठा रहा, हाथ पैर हलने बंद हो गए, कंडम हो गया, मृत्यु के निकट पहुंच गया। किसी माई ने उसके मुख का खीर लगा दी कि यूं मरेगा, कई दिन हो गए कुछ खाया ना पिया। तो उसने धीरे धीरे वह चाटनी शुरू कर दी, पहले दिन 10-20 ग्राम, अगले दिन 50-60 ग्राम, तीसरे दिन आँख खुल गई और उठ कर चल पड़ा। और फिर उसने विधान बना दिया कि स्टार्वेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से कल्याण नहीं होता, ये उसका अनुभव था। और पहले किसने कहा था तू हठ योग कर ले, वो भी तो तेरी अपनी ही सोच थी। तो इस प्रकार उसने उस, क्योंकि पिछले पुनकर्म संस्कारी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देता है और जो भी उसको कोई मार्गदर्शन कर देता वो साधना भी अवश्यमेव करता है। तो पिछले जन्म के पुनकर्मी प्राणी थे ये महात्मा बुद्ध जी, लेकिन भविष्य का चार्जर ठीक बना नहीं, पिछली बैटरी तो डाउन होएगी एक दिन। पिछले पुण्य थे उसके, उस कारण से वो खूब वक्ता भी अच्छा था, उसके वचन में भी शक्ति थी, बहुत से लोगों को प्रभावित भी कर दिया। एक विशेष शरीर पर यदि कोई विशेष बाणा वेशभूषा बना लेता है समाज से हटकर, तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है, बड़ा महात्मा होगा। और जब ये आए थे 3000 वर्ष पहले लगभग, उसमें तो और ब्लाइंड फेथ करने वाले प्रजाजन थे, तो उस पर बहुत विश्वास किया, उसकी बातों को सुन सुनकर सब बौद्धिष्ट होने लगे। और फिर क्या हुआ कि उनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई वे ऑफ वर्शिप पूजा का मार्ग, पूजा की विधि, वो शास्त्र अनुकूल ना होने से किसी को आध्यात्मिक लाभ होया नहीं। आकर चल कर 100-200-400 वर्ष के बाद सब ने ये मान लिया कि भगवान है ही नहीं, अपना करो और खाओ बस। ये है कम्युनिस्ट सिद्धांत कि कोई भगवान नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, कोई कुछ नहीं, आप जीव अपने आप ऐसे नष्ट हो जाता है, भगवान है ही नहीं। ये तो चलो उनके सोच है, बाकी यथार्थ ज्ञान इससे बहुत भिन्न है। उस समय जो महात्मा बुद्ध का जो बुद्ध धर्म फैल रहा था, आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, ये शिवलोक से आए थे, शिव जी के विशेष कृपा पात्र गण थे। ये केवल 32 वर्ष रहे थे और 32 वर्ष के अंदर ही इन्होंने 10 प्रकार के सन्यासी तैयार किए और 4 ऐसे मठ बना दिए, पीठ बना दी और उन पर निर्धारित कर दिए 4 अपने सुयोग्य शिष्य कि आप इस धर्म का प्रचार करो जो मैं बताता हूं। उन्होंने क्या ज्ञान बताया, अब हमारे साथ क्या हुआ कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, रह गए लटके के लटके, तो हमें क्या मिला? हाँ, इतना अवश्य मिला कि भगवान की आस्था बनी रही। यदि बौद्ध धर्म आ जाता तो हम राम का नाम भी नहीं लेते हैं, इतना तो उपकार दास आदि शंकराचार्य और वर्तमान में जितने भी उनके पीठाधीश्वर हैं मानते हैं कि उन्होंने कम से कम भक्ति को जीवित रखा। लेकिन कहते हैं ना, वो थोथा भूस ही कूटते रहे। अब आपको दास दिखाएगा उनके इतिहास कि आदि शंकराचार्य ने क्या विधान बताया। उवाबाई बोलते हैं जो किसी का सिर पैर नहीं हो, उन्होंने क्या बताया कि जीव ही भगवान है, जीव आत्मा ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म,
ये आत्मा ही परमात्मा, ब्रह्मा ने ईश्वर भगवान। और फिर क्या बताया कि भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान शंकर की पूजा करो, और भगवान शंकर पूर्ण परमात्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा है। बता कोई सर पैर है इनका? जब जीव ही भगवान है तो शिव जी फिर भगवान कहाँ हो गया? फिर उसकी पूजा की जरूरत क्या? अपनी पूजा कर लो तुम। अब दिखाते हैं थोड़ा इतिहास इनका। पुण्यात्माओं, ये दास जो प्रयत्न कर रहा है इसको आलोचना ना समझे, दास की एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, इसको आलोचना ना समझे दास के इस परमार्थी प्रयत्न को। ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। आलोचना तो वो होती है जो हम झूठी कथा सुनावे और अपने स्वार्थ के लिए उनसे हटाकर अपनी दुकान चलावे। नहीं, दास केवल वही बता रहा जो अपने सदग्रंथों में लिखा है और इन महापुरुषों ने जो अपने कर कमलों से लिखा हुआ, इनका अनुभव लिखा हुआ है। और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया उनके क्या अनुभव है? तो जिन्होंने परमात्मा पाया उनका अनुभव हमारे सदग्रंथों से मेल खाता है, और जिनको भगवान मिला नहीं उनका न सदग्रंथों से मेल खाता और न ही उन महापुरुषों की विधि और उनके ज्ञान से मेल खाता। तो वो यूजलेस है। उसको दास प्रार्थना करता है कि उनको त्यागना पड़ेगा अपने कल्याण करवाने के लिए, बस इतनी सी बात है। जो दिशा से दूसरी दिशा में जा रहा है सु दिशा से, तो उसको दिशा दिखाने का प्रयत्न दास का है। जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप दिए थे 500-500 के और 1000-1000 के, तो सरकार ने क्या किया था, टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ दिखाया था और बताया था कि ऐसा डुप्लीकेट होता है, ऐसा ओरिजिनल होता है। तो सरकार कोई आलोचना नहीं कर रही थी, महाप्रोकार किया, लाखों लोग गरीब आदमी मारे जाते, निर्धन हो जाते, लुट जाते, पिट जाते। तो पुण्यात्माओं, वो तो धन की हानि बची, और आपकी हानि जो है उसको तो आपको पता ही नहीं। एक श्वास मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है, 14 लोक एक साइड में रख दे, एक श्वास की कीमत और एक तरफ मनुष्य जीवन के श्वास उस श्वास की कीमत रख दे, तो वो भी पलड़ा भारी रहे एक श्वास की कीमत का। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी, कहता हूँ कही जात हूँ, कहूँ बजा कह ढोल, श्वास जो खाली जात है ये तीन लोक का मोल। अपने आत्माओं, अब कितनी कीमत बताई है महापुरुषों ने, और हम इसको बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र विधि का कर्म मनमाना आचरण करके। तो इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ एक ये बहुत बड़ा अन्याय कर रखा है, एक धोखा कर दिया। हम इनको शिक्षित विद्वान मानते थे क्योंकि ये संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे, संस्कृत भाषा में बोलते थे, सभी सदग्रंथ हमारे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, ये सब संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। और हमारे पूर्वज और हम यही सोचा करते थे ये महाविद्वान है, संस्कृत भाषा धारावाहिक बोलते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना है और वही बता रहे हैं जो सदग्रंथों में विद्यमान है। तो नो प्रॉब्लम, नो डाउट, निसंदेह होकर हम लगे हुए थे, निरसंदेह होकर के। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए स्वयं कबीर परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म एक धारक रूप में, दुल्हा रूप में सह शरीर आए थे, एक बालक का रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हुए, वहां से एक नीरू नामक दुल्हा उठा ले गया जो निसंतान था, या लीला थी माल्य की पूर्व निर्धारित। वहां फिर दुल्हे के घर पर पलने की लीला होने से, वैसे तो सबके पालक हैं, वहां क्या पले थे, अपने लिए दूध भी सतलोक से मंगाया था कुंवारी गाय के अंदर, यहाँ का तो परमात्मा गई इस कंगाल लोक का के खाऊं मैं, कुंवारी गाय का दूध पिया परमात्मा ने, कुंवारी गाय ने दूध दिया जब तक वो रहे। तो कहने का भाव ये है दास का कि उन्होंने 600 वर्ष पहले आकर बताया था कि कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, और आपके धर्म गुरु आपको मिसगाइड किए हुए हैं, ये साधना गलत बता रहे हैं। हमारे धर्म गुरु क्या बताते थे कि इन श्री विष्णु श्री शिव जी की पूजा करो,
ब्रह्मा जी को तो ये पूजने से मना ही करते रहे, और देवी देवताओं दुर्गा की पूजा करो, तीर्थ व्रतों पर भ्रमण करो, तो परमात्मा कहा करते थे गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति, ये 600 वर्ष पहले कहा करते भगवान। तो उस समय इन हमारे धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध करवा दिया जनता को भ्रमित करके कि ये के जाने जुलाहा धानक वेदों और सदग्रंथों और गीता और पुराणों के बारे में, ये मिसगाइड कर रहा, झूठा है, कपटी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करता है। परमात्मा कहा करते थे कि अब मैं तुमसे कहूं चताई गिरदेवन की उत्पत्ति भाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा, धर्मराय की ने भोग विलासा माया को रही तब आशा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता हूँ, ये ज्योत निरंजन, ये सर्वपुरुष ब्रह्म, ये काल तो इनका पिता है, और यह अष्टंगी दुर्गा इनकी माता है, ये नाशवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अविनाशी नहीं है। तो इन बातों का उन हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं शंकराचार्य से ग्रहण, उस अज्ञान के आधार से परमात्मा के बच्चों को उन्हीं का शत्रु बना दिया, ये झूठा है, ये कपटी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये क्या जाने संस्कृत को, ये दुलाहा शूद्र जाति में जन्मा है, इसके ये संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता। तो ये बात हमारा घर कर गई हमारे पूर्वजों के, कि ये बात तो हमारे गुरुओं की साची है कि कबीर साहब जो है संस्कृत तो ये पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी था। अपने आत्माओं, जिसने संस्कृत पढ़ी नहीं तो इससे हमारे ग्रंथ भी नहीं पढ़े उन्होंने, और उन्होंने 600 वर्ष पहले ये बता दिया कि ऐसा है, राज हमारे सदग्रंथों में मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, दुर्गा इनकी माता है, जो सदा शिव यानी काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो वो क्या थे? वो भगवान थे, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वेद बताते हैं कि परमात्मा ही स्वयं आकर ठीक ठीक विस्तार से वर्णित करता है, और वो परमेश्वर ने ही आकर के। अब अपने धर्म गुरुओं के द्वारा दिया गया ज्ञान आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, एक शंकर पंचम पुस्तक है, ये इसमें 5 ग्रंथ हैं जो इस आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए हैं, ये देखिएगा, आदि शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथानाम संग्रह, और इसके अनुवादक कौन है? इसके व्याख्याकार अनुवादक हैं संस्कृत से हिंदी में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ये देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथानाम संग्रह। ये 5 ग्रंथ ये हैं, अप्रोक्ष अनुभूति, तत्व बोध, तीसरा आत्मबोध, चौथा मणि रत्नमाला, और 5वां भज गोविंद, ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर, ये 2 पीठों का मालिक है कौन? जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी पादय, ये प्रणीता शंकर सप्रयास हिंदी टीका सहित प्रकाशक शारदा पीठ प्रकाशनम द्वारका जामनगर गुजरात दूरभाष इतने हैं, और कहां से छपा? मुद्रक है श्री माता कंफ्यूशियस प्राइवेट लिमिटेड, ये B7/125 केदार घाट वाराणसी। अब इसके दिखाता हूं आपको इन्होंने क्या ज्ञान दिया है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये है प्रश्न नंबर 10 पे, ये है ज्ञान का स्वरूप क्या है कि मैं सम शांत
सचिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूं, आत्म स्वरूप देह मैं नहीं हूं, अहम ब्रह्मो व अहम वह ब्रह्म मैं ही हूं। ठीक, मैं स्वयं निराकार निर्मल अविनाशी एवं और निर्विकार हूं, सर्व रोग रहित हूं, मैं निरामय, निरामय माने भी निरोगी कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं 45 और 46 पे, ये है अप्रोक्ष अनुभूति शांकर पंच के, इसके 111 श्लोक में क्या लिखा है, मैं ब्रह्म ही हूं। ओह, फिर क्या बताया है ये 46 पृष्ठ पे 123 श्लोक में, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म ही हूं। इस सद्वर्ती से जो परमानंद दायिनी निरालंब सतीथि होती है उसे ध्यान कहते हैं। आगे देखिएगा इनका भाव ये कहने का, ये देखिएगा, ये है 69 पृष्ठ पर तत्व बोध है इनका, ये तत्व बोध, जिस कर्म से संसार की उत्पत्ति हुई उसी कर्म से इसका विलय भी होगा, प्रकृति परिणित होते होते सब अंतिम परिणाम को प्राप्त हो जाएगा, तब सृष्टि और प्रलय का कर्म जो अनादि काल से चला आ रहा है संपन्न होगा। संसार होता है उसके बाद नष्ट हो जाता है, संसार का उत्पन्न होना सृष्टि और विलीन हो जाना प्रलय कहलाता है। फिर क्या बताते हैं कि माया उपाधि वाले चेतन इसको ईश्वर कहते हैं, इस प्रकार उपाधि भेद से जीव ईश्वर भेद दृष्टि जब तक रहती है तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार निवर्ती नहीं होती, यानी जो संसार नष्ट हो जाए तो ये एक हो जाए बस जीव और ईश्वर, इनका कहने का भाव ये, इसलिए जीव ईश्वर में अभेद दृष्टि होनी चाहिए। आगे देखिए 71 पर ये क्या बताता है कि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, ऐसे अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है और वही सच्चा जीवन मुक्त है। भाई मान ले मैं ब्रह्म हूं, भाई ये मान ले कि मैं ब्रह्म, ये देख फिर 72 पर, मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे निस्तात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये हैं इनके तुक्केबाजी अपनी सोच श्री आदि शंकराचार्य जी की। और फिर ये क्या बताते हैं, ये तो बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, अब देखना 123 पृष्ठ से लेते हैं, 123 पृष्ठ पे श्री मणि रत्नमाला नामक ये इनका ग्रंथ है, इसमें क्या कहा, शिष्य का प्रश्न, हे गुरु हे कृपालु, मैं इस अपार संसार समुद्र के बीच में डूब रहा हूं, मेरे लिए बचने का कोई उपाय है, कोई शरण है, कृपा उपदेश करने की कृपा कीजिए। गुरु का उत्तर, जो सारे संसार का ईश्वर है उसके चरण कमल का ध्यान ही सबसे बड़ी नौका है, उस पर चढ़कर तुम संसार समुद्र के पार जा सकते हो। विश्व पाद अम्बुज यानी दीर्घ नौका, भगवान विश्वनाथ के चरण कमल रूपी जहाज में बैठो, वे तुम्हें पार लगाएंगे, वे ही विश्वनाथ हैं, वे ही कृष्ण हैं, वे ही विष्णु हैं। अब ये हो गया क्लियर, अब वो इन वाला विधान कित गया, वो बाढ़ में गया, जीव ही भगवान है और के भगवान विष्णु भगवान है। अब आगे देखो 127 पर ये संस्कृत है, इसमें लिखा है कि कार्य मया का, मैंने क्या करना चाहिए, कार्य कौन सा करना चाहिए, शिव विष्णु भक्ति, शिव और विष्णु की भक्ति करो, उत्तर दिया है यहाँ पर 128 पृष्ठ पे, मुझे क्या करना चाहिए, वो संस्कृत का केवल हिंदी किया स्वरूपानंद जी ने, और संस्कृत में लिखा है श्री आदि शंकराचार्य ने, वो उनका अनुभव है, उसी का डंडोरा ये सब वर्तमान के शंकराचार्य पीट रहे हैं, उसी के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए प्रश्न, मुझे क्या करना चाहिए, उत्तर, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। वैसे अब वो जीव भगवान कहाँ गया, अब फिर और दिखाते हैं आपको 136 पृष्ठ पे, 135 पृष्ठ पे है ये संस्कृत, शिव अर्चा यानी शिव की पूजा करो, यहाँ इनका उत्तर है,
प्रश्न उत्तर, प्रश्न क्या करना चाहिए, आप पर प्रश्न किया है उस किसने, आदि शंकराचार्य जी ने, आप पे उत्तर दिया भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ठीक, अब आपको एक और दिखाते हैं, 135 पृष्ठ पे लिखा है आदि शंकराचार्य जी ने कि सबसे बड़ा पशु कौन है। उत्तर आप ही दिया कि जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो और न ही उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। आप आइडिया ला लिये सबसे बड़े पशु कौन है, अपने आत्माओं। हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, जैसे कि ये हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी ने ये कहते हैं कि हम वेदों को भी सत मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को भी सत मानते हैं, पुराणों को भी सत मानते हैं। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है, ये भी मानते हैं। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं इस दास के प्रवचनों से, अब ये थोड़े से संकुचित होने लग गए, अपना इष्ट बताते समय भी शर्माते हैं। अब ये किसी ने एक शंकराचार्य जी से पूछा, जी आपका इष्ट कौन है, कि परम ब्रह्म परमात्मा। उन्होंने कहा जी थोड़ा सा डिटेल से बताओ वो कौन है परम ब्रह्म परमात्मा। वो कहता तुम्हें क्या अधिकार है पूछने का, हर ये पूज्य किसने ला दास बताओगे, इनके पूज्य देव कौन से, ये देखिए लम दिखा दो इनके इष्ट देव, ये है इनके इष्ट देव, देखिएगा इन्हीं के लिखे हुए हैं ये भी शर्माण लाग गए। ये श्री माता कंपोर्सिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपए। इन्होंने एक टिप्पणी दी है इसी पुस्तक के दो पृष्ठ पर, इस पुस्तक के दो पृष्ठ पर, श्री माता जुलाई 2009 की, क्या कहा है कि गुरु परंपरा नारायण से प्रारंभ होती है। नारायण कौन है, विष्णु जी, और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है। इसी से संबंधित श्लोक है, ये क्या लिखा है, आवरण पर दिया गया चित्र नारायण से लेकर जितने भी प्रमुख गुरु हैं उन्हीं के हैं। आदि शंकराचार्य जी शंकर परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं। सभी को ज्ञात है कि उन्होंने देश की चार दिशाओं में चारों वेदों को आधार बनाकर चार शंकरा पीठों की स्थापना की, जिस पर वर्तमान में जगत गुरु शंकराचार्य जी विराजमान है। आवरण के ऊपर यानी जलद के ऊपर क्रम से ज्योतिष पीठ, द्वारका पीठ, इन सब के चित्र दिए गए हैं। अब हम आवरण देखते हैं, ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं। ये श्री वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ हैं, ये श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और वशिष्ठ जी के पुत्र हैं श्री शक्ति देव जी, और शक्ति देव जी के पुत्र हैं श्री पराशर जी, और पराशर जी के पुत्र हैं श्री वेदव्यास जी, भगवान वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, ये श्री सुखदेव जी, इन्हीं के चित्र हैं। इसके बाद और भी इनके, जैसे श्री गौड पादाचार्य, श्री गोविंद भक्त भगवत पादाचार्य, और फिर ये हैं हिंदू धर्म के वर्तमान प्रवर्तक श्रीमद आदि शंकराचार्य दंडी स्वामी। अब ये इनका इतिहास, ये इनके देवता है, आप दिखाता हूँ। ये नारायण विष्णु को ही कहते हैं, ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि नारायण के साथ लक्ष्मी है, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, शंकर के साथ गौरी है, राम के साथ सीता है, कृष्ण के साथ राधा है, और राजेश्वरी माता के साथ श्री राजेश्वर भगवान परम शिव है। अब ये राजेश्वरी कौन है, तो दुर्गा होगी, और ये राजेश्वरी ये श्री भगवान शिव है, तो ये इनके पूज्य देवता। अब
आदि शंकराचार्य के बाद जो चार पीठ बनाए गए उनके ऊपर वर्तमान में कौन कौन महापुरुष, उनमें से एक है श्री स्वरूपानंद जी जो दो पीठों पर पीठाधीश्वर हैं। देखिएगा, ये है पुस्तक ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये कोई पत्रिका है इनकी, ये कहाँ से छपी है दिखाते हैं आपको। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ जनवरी 2007, संरक्षक हैं अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। संपादक लेखक संकलन करता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली, ये इनके प्रेरणा स्रोत है। श्री सुबुधानंद ब्रह्मचारी जी मुद्रक हैं, फाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये इनके परामर्श एवं संयोग करता। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी मंडोली रोड सादरा दिल्ली से। अब इसके शुरुआत में देखते हैं, ये है श्री स्वरूपानंद जी के पैड के ऊपर लिखा है पूज्य श्री का संदेश, अनंत विभूषित श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ बद्री का आश्रम हिमालय संचार यात्रा स्थान, ये यहाँ से अपने कर कमलों से लिखा है। नीचे लिखा है स्वरूपानंद सरस्वती, इनके हाथ का लिखा हुआ संदेश यहाँ छापा है। हमारे शांकर अद्वैत दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श दो पदार्थ हैं, जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति, पार्वती परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर उन्हीं का अभिव्यक्त स्वरूप है। ठीक है, सीधा हो गया कि ये किसके पूजा करते हैं, पार्वती और भगवान शंकर की, शिव और पार्वती की। और यहाँ पर इनका देखिएगा, ये पार्वती जी की पूजा करते हुए और इनकी मूर्ति के साथ सुशोभित है श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी। अपने आत्माओं, ये दास क्या बताना चाहता है ये देखिएगा, श्री स्वरूपानंद जी अब शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ये पृष्ठ 50 पे इसी पुस्तक के। ये देखिएगा, जगत गुरु शंकराचार्य जी चंद्रमौलीश्वर महादेव की पूजा करते हुए ये शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, इसका नाम है योग। अब पुण्य आत्माओं, परमात्मा कहा करते कि वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बात पुराण 18, और पत्थर की पूजा करे ये भूल गए सृजनहारा। अब आपको क्या दिखाते हैं कि ये कौन से मंत्र जाप करें, इनका तो कोई सिरे पैर नहीं है कि के जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे, जय गोविंद सीता राम राधे श्याम। और फिर इनके मूल मंत्र क्या है वो दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। ये है एक मठ आमनाय महा अनुशासनम नामक एक पुस्तक है, जो आदि शंकराचार्य वीरचितम, इन आदि शंकराचार्य जी ने ही इसका लेखन किया है। और ये कहाँ से छपी है, ये है आदि शंकराचार्य विरचितम वही, और संपादक और भाषा अंतर करता है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और ये नीचे और लिखा श्री काशी विद्वत परिषद न्यास केदारघाट वाराणसी। और ये कहाँ से छपी है देखिएगा, ये कहाँ से छपी है, श्री माता कंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड 27/125 बागा हेड़ा केदारघाट वाराणसी दुर्गा सीते। ये देखिएगा, इन चार मठों की चार पीठों की न्यारे न्यारे देवता न्यारे न्यारे इनके मंत्र, ये है पृष्ठ नंबर 33 पर हम आगे हैं। इस पर क्या बताया कि शारदा पीठ, शारदा मठामना यानी शारदा पीठ, इस क्षेत्र का नाम द्वारका है
और देवता सिद्धेश्वर है, श्री देवी है जो भद्रकाली, ये इनका पूज्य देव है और यह इनकी पूज्य देवी है। ठीक, यहाँ पर श्याम वेद इनके हवाले किया गया, ये केवल श्याम वेद का ही प्रचार करता है यहाँ का जो मठाधीश्वर है। ठीक, अब देखो इन्होंने अड़ंगा कैसे अड़ा रखा है, अपने अनुसार सदग्रंथों को मोल्ड कर दिया उनके अनुवाद को। इसका अर्थ है गीता अध्याय नंबर 2 का 40 का श्लोक है, इसका अर्थ तो ये बनता है कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही विद्वान पुरुष को पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बाद अन्य देवताओं में रह जाता, अन्य ज्ञानों में रह जाता है। और इन्होंने के ले लिया अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसा अनर्थ कर दिया, अर्थात जैसे चारों ओर जल से भरे जलाशय से जितना प्रयोजन होता है उतना ही जल ग्रहण कर लिया जाता है, उसी प्रकार पूर्ण वेदों के न होने पर भी उक्त वेदों के उतने ही भाग अर्थात उपनिषद को ग्रहण करना ही ज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होना चाहिए। अब देख यू कर दिया काम, इसने अनुवाद गलत कर दिया, अपने अनुकूल उल्टा अर्थ कर दिया। क्या कर दिया कि वेद तो समझो बहुत बड़ा जलाशय है और हमने जितना जल चाहिए उतना ले लें, इसमें तो चार वाक्य काट लिए, वेदों को भी छोड़ दिया। कहते हैं ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि वो उपनिषद पढ़े, वेदों की जरूरत नहीं उसने। ये फिर देखियो क्योंकि इनकी अंग्रेजी दास समझ सके है, आप क्या समझ माती तो पहले भाग जाते है। ये देखिए 34 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, ये है गीता अध्याय 2 का 40। पहले तो ये आपको दिखाऊंगा जो पेटा भरेगा, न इनकी घनी कसूती भाग जम रही है जनता पे, अकेले विद्वान न पढ़े थे, ये केवल भाषा जाने थे संस्कृत और थारंग के पास खक अध्यात्म ज्ञान थे, शून्य था इनका। देखिएगा श्रीमद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर आपको 40 दिखाते हैं। ये है अध्याय 2 श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 40। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब गीता तो क्या बता रही है, पवित्र ग्रंथ, के जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा आस्था रह जाती है, जैसे एक छोटा जलाशय होता है जिसमें ये पता है कि एक वर्ष वर्षा ना हुई तो वो जल सूख जाए उसका, और उस पर आश्रित जितने मानव प्राणी है वो भी दुख का सामना करेंगे, वो भी साथ नष्ट हो जाएंगे, और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ा जलाशय मिल जावे जिसको 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जलना समाप्त हो, कहते हैं फिर उस छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा रह जाती है, ऐसे ही पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद अन्य ज्ञानों में जैसी आस्था रह जाती है। यानी अंडरस्टूड है, जिसने ऐसा जलाशय मिल गया 10 वर्ष वर्षाना हो तो अभी जल समाप्त नहीं हो तो तुरंत त्याग कर उसको तुरंत पहुंच जाएगा वहां पर। तो इसी प्रकार गीता जी तो ये कहते हैं कि उस बड़े जलाशय की प्राप्ति के बाद छोटे जलाशय छोड़ दे, और इन्होंने क्या किया है अपने उल्लू सीधा करने के लिए घुमा दिया कि जैसे बहुत बड़े जलाशय में बहुत गुणा जल होता है, हमने जितना चाहिए उतना ले लें बस। और फिर क्या प्रमाण दिया है कि ब्राह्मण को चाहिए केवल उपनिषद पढ़े, वेदों के चक्कर में नहीं पढ़े। देख फिर देखियो ये पुस्तक है मठामने महानुशासनम, ये भी आपको दिखाई थी, इसके 34 पृष्ठ पर देखिएगा। ये है गीता का श्लोक, अभी आपने देखा, इसकी संस्कृत भी दिखा दो कि ना समझ माओ जल्दी, आत्मा हटे नहीं गया आपकी, इन्होंने हमें मूर्ख गणा बना दिया। ये देखिए गीता जी, ये वही श्रीमद गीता और इसलिए दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर अब ये 40 है, ये संस्कृत भी देख लो इसकी, ये नो की नो है।
या नारद उद्पाने सर्वत है समलू तोप के जिन होकर ये आप देख लो इस नपट गमन दगणी पटरी नहीं आती सैनों कानू। अभी इसमें इन्होंने के अनुवाद किया है, हमारे मूल ग्रंथ में क्या लिखा है, अर्थात जैसे चारों ओर से जल से भरे जलाशय से जितना प्रयोजन होता उतना जल ग्रहण किया जाता है, घुमा लिया उल्टा इसको। और जिस प्रकार पूर्ण वेदों के होने पर भी उक्त वेदों के उतने ही भाग अर्थात उपनिषद को ग्रहण करना ज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होना चाहिए, गाड़ दिया उल्टा खूटा। इनका कहने का भाव ये है कि हमने उपनिषदों को पढ़ना चाहिए, वेदों में शर्माथा नहीं मारना चाहिए। इसलिए इन शंकराचार्यों ने वेदों को रखा सुरक्षित सीने से लगाकर एक एक वेद को, लेकिन ये पढ़ तेरे उपनिषद। उपनिषद क्या है, जैसे मांडुक के उपनिषद है। अब मांडुक नाम के ऋषि थे, उन्होंने जैसा वेदों को समझा फिर अपना अनुभव किया साधना करके, जो उसका अनुभव था उसने लिख दिया उसमें, वो मांडुक के उपनिषद हो गया। कठोपनिषद है, वो कठ नाम के ऋषि थे, उन्होंने जैसा भी अनुभव किया वेदों को जैसा समझा अपना अनुभव उपनिषद में लिख दिया, तो उपनिषद बन गया उसके नाम से। अब जैसे मैं ऋषि दानंद था नकली, इसने उपनिषद बना दिया सत्यार्थ प्रकाश और लिख दिया नोक में वेदों अनुसार सारा ज्ञान लिख रहा हूं, तो वेद पढ़ना छोड़ दिया लोगों ने, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू कर दिया। अभी तो शुक्र है समय पर इसकी अब पोल खुल गई, ना तो ये उपनिषद में आ जाता कुछ दिनों के बाद। तो ये आगे देखना है इससे आपको कितना इनकी इन शंकराचार्यों की ये जो विद्या का ज्ञान होगा, देखिएगा। अब हम 34 पृष्ठ पर पढ़ रहे थे कि ब्राह्मणों को चाहिए कि उपनिषद पढ़े, ये उनके भाग हैं उपनिषद। अब 35 में क्या बताया इन्होंने, शारदा द्वारका पीठ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका महावाक्य है तत्वमसी, तत्त्वमसी, जिसका उल्लेख सामवेद अंतर्गत एक छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, उसके 6 का 8वां अध्याय 6 का 8वां श्लोक है। ये इस उपनिषद से ले रखा छांदोग्य उपनिषद है, क्या तत्त्वमसी, यह जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का बोध कराता है। यानी तत्त्वमसी का अर्थ है परमात्मा ही जीवात्मा है, जीवात्मा ही परमात्मा, ये भेद कराता है। यह सरलार्थ भी किया है कि जो तत्त्वमसी है, इस तीन पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है जो व्यक्ति, अर्थात तत्त्वम पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ के चिंतन में तल्लीन रहता है, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता है। तत्त्वमसी यानी ये जीव ही ब्रह्म है, आत्मा और परमात्मा के अभेद का बोध कराता है। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं गोवर्धन मठा मनाए, गोवर्धनपुरी, यहाँ देखिएगा, इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है, भगवान जगन्नाथ इसके देवता है और देवी विमला है, ठीक है। और इसका महावाक्य क्या है, यहाँ का महावाक्य प्रज्ञानम्बरम, ये ऐत्रेय उपनिषद का अध्याय 5 का 3रा मंत्र है, उपनिषद से ले रखे इन्होंने, ये ऐत्रेय उपनिषद से ले रखे, ये ऐत्रेय उपनिषद लिखा हुआ स्पष्ट। इनके भगवान भी नारे नारे, इनकी देवी भी नारी नारी, और इनके मंत्र भी नारे नारी, ये कहाँ से है, यहाँ पर ऋग्वेद का पाठ होता है, यहाँ के नाम ऋग्वेद का ही पठन होता है ओनली। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ हमनाए, जिस पर वर्तमान में शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी पीठाधीश्वर है। अब 3रा हमनाए उत्तर दिशा में है, ज्योतिर्मठ है, इसका दूसरा नाम श्रीमठ है। यहाँ का देवता भगवान नारायण देवता है, देवी पूर्णागिरी है। अच्छा, ये हम 40 पर पढ़ रहे थे, 40 पे अब 41 पे आगे है। यहाँ का जो महावाक्य क्या है, महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक के उपनिषद का दूसरा अध्याय से लिया, ये आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ही भगवान है, इसका ये अर्थ है।
और यहाँ अथर्ववेद के नाम है उपदेश होता है। अब देखिएगा तीसरा श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठामनाए, और यहाँ पर सरस्वती, भारती और पुरी इस मठ के अधिकारी इस गोत्र से इस नाम से प्रसिद्ध होते हैं। रामेश्वर नामक क्षेत्र है, भगवान आदि ब्रह्मा इसका देवता है और इस मठ की देवी कामाक्षी है। ठीक है, और फिर देखना इसका महावाक्य क्या है। 44-45 पर पढ़ रहे हैं हम, 144-45 पे इसका महावाक्य है। यजुर्वेद का यहाँ स्वाध्याय होता है, इसका ही महावाक्य है। अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्मानी अहम ब्रह्म अस्मि, ये व्रत उपनिषद का है, अध्याय 1 कांड 4 के मंत्र 10 से लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि अपने आत्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर ही हो गया, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वेदों में तो बहुत घना पानी है, जल है, उसकी बजाय हमने वेदों से ही लिया हुआ निष्कर्ष जो उपनिष्ठ रूप में है, उनके भाग है, इन ऋषियों ने अनुभव किया है, साधना करके निष्कर्ष दिया, उसको पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण का ये कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है कि वेदों से ही पढ़ना चाहिए हमने, ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष का। अब ये स्पष्ट हो गया। फिर इसमें एक और कहा, कोई सूक्ष्म वेद के बारे में कहा, देखिएगा ये है पृष्ठ नंबर 48 पे, इस पे लिखा है कि एक सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद का उपदेश होता है, ये स्वात्मक नामक आमनाय है और महान परमात्मा मठ है। अब हमने ये देखना है कि एक सूक्ष्म वेद और है। अब सूक्ष्म वेद इनका समझ में नहीं आया, इनसे किसी ने पूछा, ये शंकराचार्यों से, कि जी वो जो मठ आमनाय पुस्तक के अंदर 5वां वेद लिखा है सूक्ष्म वेद, वो कौन सा है? कोई तो कहता है वो महाभारत है, और कोई कहता है वो श्रीमद् भगवद गीता है। अरे महाभारत भी वेद है, इसमें तो ऐसा पढ़ के भी आदमी ना किसी के अंदर भगवान की आस्था हो वो विनाश हो जा। द्रौपदी का तीर हरण हो रहा था और उसमें ये दिगंबर बैठे थे तीन, तो कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और विदुर, और सभा भरी थी। द्रौपदी को नंगा कर रहे हैं, निवस्त्र करके सबके सामने उसकी बेइज्जती करना चाहता है दुर्योधन और दुशासन। उसमें उस सभा के अंदर एक था भगत बीज विदुर। विदुर ने खड़ा होकर कहा पंचायत में, अरे भले पुरुषो, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपनी बहू की, अपने ही बहू को नंगा कर रहे हो। ये तुम एक ही परिवार था, चेताऊ कोई घनी दूर नहीं होते। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा, विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, वहां पर भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्माओं, ये सूक्ष्म वेद में लिखा है परमात्मा ने कि तुम इसे इसे ग्रंथ पढ़ते हो जिसमें कोई करेक्टर नहीं किसी का। अब कवा सुनी किसका ना होती, और दुर्योधन जैसे दुष्ट ने कैसा निर्णय लिया, द्रौपदी को स्वभाव नंगा करे, रे बेशरम। और फिर वह दर्शक कौन बैठे हैं? भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण जैसे योद्धा, ये तीनों महापुरुष ऐसे थे, यदि एक भी खड़ा होकर न कह देना खबरदार इस लड़की का हाथ भी लगाते निकम्मे, ऐसा जुलम है, और श्रेयाम तू नंगा कर रहा है इनको, तो हिम्मत नहीं दुर्योधन की उसको हाथ लगा देते। लेकिन वह भी मलिन आत्मा थी, वहां बैठी रही। एक भगत बीच तक विदुर खड़ा हुआ और कहने लगा, रहे भाई क्या कर रहे हो तुम? विदुर कहे ये बंधु थारा, आपका भाईचारा है, एक का कुल एक का परिवार। इस निर्णायक बात करने से दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के विदुर के, और कहा कि तू तो है पांडवों का चेहरा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, इनका चमचा है, इनने की ओर बोलता है हमेशा, और तू तो है बांदी का जाया, यानी उसको एक व्यंग कस दिया कि तू तो बांदी का उत्पन्न हुआ, तेरी तो हीन भावना है, तेरी मति मलिन है, तू इस करके अक्षत्री कर्म के योग नहीं। उनका भाव ये था कहने का, तू तो है बांदी का जाया,
और उसका थप्पड़ मारना था, और विदुर को ये वांदी का पुत्र कहने से कहते हैं भीषम पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण मुस्कराए वहां पर हंसे, अरे तेरा गजब हुई हो। और ये इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इसको पांचवा वेद बताओ, ये और तेरा बताओ, ये है हमारे इतिहास। पुणात्माओं एक नियम है, पाप से बचने के लिए पंचायतियों को चाहिए न्याय की बात करें, कोई नहीं माने तो उठकर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए। यही विदुर ने किया, सभा त्याग कर चला गया। तो पुणात्माओं, अरे इसको पांचवा वेद बताओ।